नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। मैं आपका दोस्त करदम रावल आज लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। हमारी चैनल ने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सबसे पहले यूट्यूब के अंदर अगर आपको देखने हैं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस को, वो सिर्फ आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के ऊपर। तो आज की तारीख है 9 जून 2018, मैं हूं करदम रावल, मंगलवार। तो हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो किस तरह से देखिए, हमारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। हमने जनरल स्टडीज के 9 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स जो एक न्यू एंट्री है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। ये 9 सब्जेक्ट्स का कोर्स 350 प्लस लेक्चर्स के अंदर 300 घंटों का यहाँ पर टाइमलाइन है, और यहाँ पर 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आपको हर महीने मंथली करंट अफेयर मिलेगा, और ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी है 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक की। तो अनलिमिटेड टाइम आप तब तक इसको रिवाइज कर पाओगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे वो पीडीएफ डाउनलोड करने की बात हो या फिर वीडियो को देखने की बात हो। तो बहुत सारे बेनिफिट है, और यहाँ पर हम आपको गारंटी करते हैं कि आपके आसपास में जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, इससे ये कई गुना बेनिफिशियल है। और यहाँ पे प्राइस जो है ये भी काफी अफोर्डेबल है, 5,999 रुपीज, यहाँ पे टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। और इस कोर्स के अंदर अब तक हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो 2000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, दो तरीके हैं। नीचे दी गई लिंक के अंदर आप जाके हमारी जो वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पर अगर कोई समस्या आती है तो चैट विंडो है, वहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरी, ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए इसके अलावा, तो आप है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर दो नंबर है, किसी भी नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोड मैप देख लेते हैं, पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एक नया सा फन फैक्ट देखेंगे, और फन फैक्ट के बाद में एक नया सा क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे दो आर्टिकल का, यह है दिल्ली स्टैंडऑफ पावर क्राइसिस। तो यहाँ पे लगता पहला व्यू पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, लेकिन पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो इसके ऊपर यहाँ से थोड़ी डिस्कशन करेंगे, अलग तरीके से इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे। और उसके बाद द स्पिरिट ऑफ सेंटोसा, तो यहाँ पर जो है मुंजे इन जो है उनको, उनकी प्रशंसा की गई है और कहा गया कि उनको नोबेल प्राइज देने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद कि कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल के काम को पॉसिबल करके दिखाया, उन दोनों आर्टिकल के एनालिसिस के बाद ये मिलेंगी आपको वोकैबुलरीज, जो आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव और एनहांस करने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो इन सारी चीजों के बाद मजा आएगा तब जब पूरा आर्टिकल कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली स्टैंड ऑफ, तो पावर क्राइसिस की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जो है उनका कहना है कि दिल्ली को जो है वो 2015 से जब से पोजीशन पर आया है तब से उनकी डिमांड है कि दिल्ली को एक स्टेट का फ्लैट मिलना चाहिए, वो एक यूनियन टेरिटरी बन के नहीं रह सकता। अगर ऐसा ही रहा तो अगर सेंटर की गवर्नमेंट अलग और दिल्ली की गवर्नमेंट अलग तो भी बहुत सारी तकलीफें होगी। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल के जो राइटर है, वो राइटर एक तरह से बीजेपी के पक्ष में अंदर बायस्ड आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अनबायस्ड तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल यहाँ पे एडिटोरियल का है वो है ऑन कोलंबियास फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द शेडो ऑफ फाक। तो ये जो आर्टिकल है एकदम से पॉलिटिकल है, वहां पर क्या इलेक्शंस हुए, कैसे हुए, उसके बारे में ये। और नोबेल प्रीज प्राइज विनिंग आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है जॉन मैनुअल सेंटोस, उसके बारे में भी यहाँ पर काफी सारे डिस्कशंस है। और जो मार्क्सिस्ट गुरिलर्स है उनके बारे में यहाँ पर काफी पॉइंट्स लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रहे हैं 2016 की पीस डील के बाद में, तो ये इसकी हाईलाइट है, बाकी इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है कि कोलंबिया में क्या हो रहा है। दूसरा जो आर्टिकल है ये लिखा है टीपी श्रीनिवासन ने, जो डिमांड करते हैं कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मुंजे इनको जो है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। तो ये साउथ कोरिया को रिप्रेजेंटेट करने वाले जो प्रेसिडेंट है उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, कैसे, क्यों, क्या खास काम किया इन्होंने, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछले एडिटोरियल में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया इज हैविंग हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स, तो इंडिया के पास टोटल है 1208 आइलैंड। अलग अलग जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि इंडिया के अंदर 1200 आइलैंड है, लेकिन लियालिटी के अंदर इंडिया के अंदर 1208 आइलैंड है। फिर उसके बाद रिवर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए राजस्थान के बारे में, राजस्थान के रिवर सिस्टम के बारे में आज मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ।
The river of Rajasthan can be divided into three main system based on the drainage pattern. They are river that drain into Arabian Sea, river that drain into Bay of Bengal. जी हाँ, आपको लगेगा कि कैसे भाई राजस्थान की रिवर बे ऑफ बंगाल में कैसे समुद्र में मिलेगी? नहीं मिलेगी, कैसे समझाता हूँ. The river with inland drains. तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान इज दैट नियरली 60.2% ऑफ एरिया ऑफ द स्टेट हैज एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. द अरवली रेंज फॉर्म्स द मेन वाटरशेड ऑफ राजस्थान डिवाइडिंग द ड्रेनेज इनटू अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. द लूनी रिवर सिस्टम दैट अराइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरवली रेंज नियर अजमेर, जिनका नाम अभी साइन बोर्ड में बदल गया है, फ्लोस थ्रू द सेमी अराइड ट्रेडिशनल प्लेन इनटू द रन ऑफ कच्छ एंड अरेबियन सी विद द बनास एंड अदर स्ट्रीम राइजिंग फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द अरवली इज जॉइंड द चंबल. द चंबल देन फ्लो इनटू यमुना सागर, यमुना एंड गंगा रिवर सिस्टम विच ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. द मेन वाटर सोर्स लाइक साबरमती, बनास एक्सेट्रा एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लूनी आर मोर और लेस पैरेलल टू द अरवली रेंज. एडिशनली रिवर ऑफ राजस्थान आर मोस्टली सीजनल विद ओनली टू रिवर बेसिन चंबल एंड माही बींग पेरेनियल. यानी कि चंबल और माही ऐसी है जो वहां पर 12 महीने टिकी रहती है, ऐसी नहीं है कि सूख जाया करती है. तो यहाँ पर रिवर सिस्टम याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों. अगर आप इसको सिर्फ सुन के साइड आउट कर देते हैं तो नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आपकी जो नोट्स आप बना रहे हो वहां पर इन चीजों को टिका के लिख लीजिए, ताकि ये जो है आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. दूसरा, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज फॉर व्हाट. या तो आप हमें इसके कमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव बताएं या फिर इसका कोई पर्पस बताएं, और कमेंट के अंदर आंसर अगर आपका जवाब सही रहा तो हम प्रॉमिस करते हैं आपका आंसर फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर आएगा आपके नाम के साथ में. आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, प्लीज दोस्तों कमेंट कीजिए. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें लाइक के माध्यम से बताएं और कमेंट में कुछ लिखे, ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह से हमें पसंद करते हैं और किस तरह से हमें सुधारा लाने की जरूरत है. तो यहाँ पे जो है दिल्ली स्टैंड्स ऑफ पावर क्राइसिस, तो मैं आपको पहले तो ओवरव्यू बता देता हूँ इस आर्टिकल के अंदर क्या है. यहाँ पर जो ये आर्टिकल है, यहाँ पर दिल्ली के जो सीएम है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जो नॉर्मल स्टेट होता है वहां पर गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरी जो होती है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. ये मैंने नहीं डिसाइड किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया है. तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस हो जाने के कारण गवर्नर की मीटिंग और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग कई बार जो है कैंसल हो जाती है, और गवर्नर जो है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बोल देते हैं कि भाई मेरी नॉर्मल मीटिंग से इतनी ज्यादा है कि मैं आपसे मीटिंग नहीं कर सकता. और यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं. तो इस बात से दुखी होके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो है ये धरने पर बैठ गए हैं. तो पहले यहाँ पर बता दूं कि इस आर्टिकल के अंदर ऐसा क्या है जो इस तरह से बायस्ड है. इस आर्टिकल के जो भी ऑथर है उनका बीजेपी के तरफ बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक तरह से निग्लेक्ट किया है. लेकिन हमारा व्यू पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी को सपोर्ट करे या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे. हमारा विजन ये है कि समस्या क्या है उसको देखना जरूरी है. यूपीएससी की अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको समस्या को समझना है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी राइटर या ऑथर के विजन को. तो यहाँ पर जब से 2015 से दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने दूसरी दफा, तब से लेके अब तक उन लोगों का यही एक फंडा रहा है, क्वेश्चन रहा है कि हमें एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिले, ताकि जो है यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो ना हो. क्योंकि इसको एक्सप्लेन करते हुए दिल्ली के सीएम ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी सेटअप किए हैं और एग्जाम्पल दिए भी है कि भाई देखिए, हमने दिल्ली के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और कई बार दिल्ली के रिगार्डिंग जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी हमने बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए हैं. लेकिन यहाँ पर तकलीफ ये है कि
कुछ भी अगर हमें करना हो तो हमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है या फिर उनके बिठे बिठाए लोग जो है वो हमें हमारी रूटीन एक्टिविटी को रोकने के लिए हर जगह देखने के लिए पहुंच जाते हैं और हमें सक्सेस ना मिले उसकी वो सबसे ज्यादा जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन हमारा पॉइंट ये है कि दिल्ली जो है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चाहे अमेंडमेंट करना हो तो करिए, लेकिन दिल्ली को जो है सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को ध्यान में रखते हुए इस तरह से अमेंड करें कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से हटा के दिल्ली को बना दीजिए एक स्टेट, ताकि हम जो है यानी कि हम या फिर कोई भी अगर दिल्ली का सीएम बनता है तो दिल्ली के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बार पास जाके हर बार क्वेश्चन आंसर करने की या फिर परमिशन लेने की जरूरत ना रहे और वो जो है अपनी ऑटोनॉमी जो है उस तरह से अपने स्टेट का विकास डेवलपमेंट और समस्याओं का प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आ सके। तो यहाँ पर जो है ये क्रूशियल बात है इस आर्टिकल की, वेरेस जो राइटर है वो लेके जाते हैं कि भाई दिल्ली जो है वो ऐसे ही रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट नहीं होंगे और दिल्ली की गवर्नमेंट है उसको केंद्र सरकार यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सहना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी क्या कर सकती है उन लोगों को भी, दिल्ली के अंदर आई हुई जो पार्टी आम आदमी पार्टी उसके बने हुए सीएम को भी झेलना पड़ेगा। तो यही इस रिटन कंटेंट के अंदर लिखा है, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि कैसे ये कैसे पॉसिबल है कि भाई एक यूनियन टेरिटरी है वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से आपत्तियां उत्पन्न कर सकती है उनके वर्किंग के अंदर। तो जी दोस्तों, आपत्तियां उत्पन्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे, पहले तो बजट, दूसरी बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती हुई ग्रांट है वो, तीसरी बात अगर सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अच्छी तरीके से वर्क करना है तो एक परफेक्ट ऑटोनॉमी की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी यूनियन टेरिटरी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली के अंदर दोनों बैठते हैं, वहां की जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है यानी कि आम आदमी पार्टी और जो इंडिया के इंडिया ने चुनकर भेजी है यानी कि जो एनडीए की गवर्नमेंट चलाते हैं, यूपी सॉरी गवर्नमेंट चलाते हैं नरेंद्र मोदी बीजेपी की, तो उस गवर्नमेंट के अंदर ये लोग भी दिल्ली के अंदर बैठते हैं। तो क्या है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर छोटे से लेके बड़े से बड़े लोग तक जो है हर पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं चलते हैं। तो यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे काम करना चाहेगी आम आदमी पार्टी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरफियरेंस रहेगा, बजट से लेके परमिशन लेते वक्त हर जगह पे इनको कोई भी काम करना हो तो छोटी बड़ी परमिशंस लेके आनी पड़ती है। तो ये पहले नहीं हुआ करता था जब शीला दीक्षित का टाइम पीरियड हुआ करता था और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ताकि सब लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली के अंदर के 2015 और 2014 में सरकारें बदली और यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग पार्टी की सरकार आई और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी थी, अगर आप बोलोगे कि आम आदमी पार्टी और उनको रिप्रेजेंटेट करने वाले जो लोग हैं जिस तरह से उनका उपहास उड़ाया जाता है अगर वो सही है तो भाई दिल्ली जो है ना उसकी आप जो आईएएस है आईएएस का अड्डा ही दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर अगर आप बोलोगे कि दिल्ली के जो लोग हैं वो बेवकूफ है और ऐसे ही आम आदमी पार्टी को सिलेक्ट करके वहां पे बैठा दिया है तो ये गलत है। अगर आप बोलोगे कि आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने कुछ वर्कआउट नहीं किया है अब तक टाइम पीरियड के अंदर तो ये बात भी गलत है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट अलग है तो काम न होगा और बाधाएं जो है वो खड़ी की जाएगी। तो यही प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन लाना है तो मेन सॉल्यूशन ये है कि भाई दिल्ली को है एक तरह से स्टेट का फुल फ्लेज अफिलिएशन मिल जाना चाहिए। तो यही है इस प्रॉब्लम और इसके पीछे की सारी बातें जिसको हमने पॉलिटिकल नहीं बल्कि जो रियलिटी है उसके नजरिए से यहाँ पर डिस्कस किया है। और फिर से मैं आपको बता दूँ, इस आर्टिकल को अगर आप द हिंदू के ऊपर रीड करेंगे या फिर इसको स्पेसिफिकली जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरह से रीड करेंगे तो आपको ये पॉलिटिकली बायस्ड आर्टिकल लगेगा कि बीजेपी की तरफ ये झुकता हुआ आर्टिकल है, लेकिन हमने यहाँ पर अनबायस तरीके से डिस्कशन की है। दूसरा जो आर्टिकल है द स्पिरिट ऑफ सेंटोसा, तो यहाँ पर जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे ई को उनकी डिप्लोमेसी की जो स्किल है उनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनके काम को देखा है
कि भाई जैसे डिसआर्ममेंट इनिशिएटिव जो उन्होंने किया वो भी सक्सेसफुल रहा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। उसके बाद दोनों जो वॉरिस्ट राइवल्स थे किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप, उन लोगों को साथ में बैठा के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेके आए। तो यहाँ पे तीन ऐसे वर्ल्ड के अंदर मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों का सॉल्यूशन आ जाता है या फिर कोई लेके आता है तो कोई भी इंसान हो वो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पार्ट नंबर वन इज कोरिया, पार्ट नंबर टू इज पैलेस्टाइन, पार्ट नंबर थ्री इज कश्मीर। तीनों की बात मैं आपको बता दूं, कोरिया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया जो है वो वर्ल्ड जो है उसको कई बार परेशान कर चुका है। पैलेस्टाइन जो इसराइल भी कहता है हमारा है, और काफी अलग अलग कंट्रीज जो है वो बोलती है हमारा है, लेकिन किसका है वो आज भी नहीं पता चला है। और उसके बाद है कश्मीर, जो इंडिया बोलता है हमारा, पाकिस्तान बोलता है हमारा है, तो किसी को आज तक पता नहीं चला है। हम तो हिंदुस्तानी है तो हम यही बोलेंगे कश्मीर हमारा है, लेकिन वर्ल्ड जो है वो आज भी कंफ्यूज है कि रियलिटी के अंदर कश्मीर है किसका, इंडिया का है कि पाकिस्तान का है। पूरा वर्ल्ड नहीं जानता कि कश्मीर हिंदुस्तान का है। यहाँ पर जैसे पैलेस्टाइन के बारे में मैंने बोला बींग नॉन पैलेस्टीनियन कि भाई पाकिस्तान किसका है ये किसी को नहीं पता है, पैलेस्टाइन किसका है ये किसी को नहीं पता है, उसी तरह से वर्ल्ड ये बोलता है कश्मीर किसका है ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने यानी कि मोनजे इन ने जो ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रेक किया है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हुआ करता था कि जो समस्या है उसको रहने दो, चल रहा है तो चलने दो, हमें कुछ आगे सॉल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है, अभी सिचुएशन ठीक ठाक है तो रहने दो, अगर प्रॉब्लम होते हैं तो होएंगे बाद में शांत हो जाएंगे। तो इस तरह का ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करता था, लेट थिंग्स बी। लेकिन यहाँ पे मोनजे इन्हें जो है आउट ऑफ द बॉक्स निकाल के आइडिया लाए। वे अब किम जोंग की जो बात करोगे तो क्या होगा कि तीन जनरेशन के किम के परिवार ने देश को जो है क्या किया है, एक तरह से एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो हर दफा उनके लोगों को भी डराने वाला, और उनके लोगों का जो उनका सपोर्ट नहीं मिलता या मिलता उससे कोई उनको मतलब नहीं है, उनको दबा के रख दिया करते थे, उनकी कोई बात या मुद्दे को सुनते नहीं होते, वो जो चाहते थे एकदम से ऑटोक्रेसी चलाया करते थे। लेकिन यूएस के अंदर आप देखोगे तो यूएस के अंदर भी कैसे प्रेसिडेंट है जो एकदम बेपाक है, मन मर्जी में आते हैं वो करते हैं, चाहे तो हाँ चाहे तो ना, कोई इनका भरोसा नहीं है। ऐसे दो लोग जिसके दोनों के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है और एक तरह से असंभव भी है, और दोनों ऐसे है कि दोनों ने एक दूसरे को कई बार बोल दिया है कि मैं बटन दबा दूंगा, मैं बटन बना दूंगा और न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन को समझकर इसके ऊपर बुद्धि और दिमाग लगाते हुए साउथ कोरिया के लीडर मून जे इन ने जो खेल खेला जिससे पूरे विश्व की आंखें चार हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग ने शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग की, यही एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इन सारी चीजों का जो श्रेय जाता है जो 12 जून के जो मीटिंग होती है, उन सारी 12 जून की मीटिंग का जो श्रेय जाता है वो है साउथ कोरिया के लीडर मून जे इन को। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि भाई डॉक्यूमेंटेशन होते हैं डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन तो 1994 में भी हुए थे और 2005 में भी हुए थे, लेकिन यहाँ पर उन चीजों का कोई इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म नहीं रहा। तो बायलेटरल मल्टीलेटरल काफी एग्रीमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी किए और नॉर्थ कोरिया के साथ भी किए, और दोनों देशों को मिला दिया सिंगापुर के अंदर मोनजेई के करतब ने। तो यहाँ पर जो है किम जो है उन्होंने तो अब तक क्या किया था, अपने लोगों को भूखा रखा, एक तरह से एक्सप्लोइट किया, और वो जो चाहते थे वो उन्होंने किया, यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि देश के रिसोर्स को वेपन और डिस्ट्रक्शन की दुनिया के अंदर लेके जाने में जो बनाने की साजिश और कोशिश की वो उन्होंने ये की। लेकिन यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं कि भाई अगर कुछ भी हो, पीस की डील हुई है लेकिन पीस अगर ब्रेकआउट भी हो जाए, लेकिन जो ये इन्होंने करके दिखाया कि किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कराई, शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हुई, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के अंदर हामी भरी एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, तो इस बात के ऊपर चाहे पीस रहे या ना रहे, लेकिन इस बात के ऊपर इन्होंने जो पीस मेकर और स्टेक होल्डर का काम किया है उसके ऊपर इनको तो इंटरनेशनल इनकी प्रशंसा करके नोबेल प्राइज दी जानी चाहिए। और ये जो सारी मीटिंग हो रही थी तब भी वो कोई प्रशंसा लेने के लिए नहीं खड़े थे कि आप आइए मुझे बिरादिए और मुझे प्रशंसा कीजिए, ये तो अपनी जगह पे ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि दो अगर लीडर्स जो है हाथ मिलाएंगे
तो क्या बेनिफिट्स होंगे और अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो मेरे देश के लिए क्या क्या आपत्तियां आ सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की मीटिंग रही तो सक्सेसफुल, अभी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, लेकिन उनके बाद पॉलिसी जो है वो अच्छी तरह से बिल्टअप होगी। तो यहाँ पे पहला कदम रखा था अप्रैल के अंदर, जब दोनों ने नॉर्थ पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने जो पेनिनसुला रीजन है उसको डीन्यूक्लियराइज और जो आर्मी थी एक दूसरे की हटा लेने की जो बात की, ये पहला कदम था। दूसरा कदम तो इनकी मीटिंग, तीसरा कदम ये कि जो अपने देश के अंदर जो यूएस के ट्रूप्स थे उनको भी बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करके कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इनको यहाँ से ले जाए। तो यहाँ पर जो डीन्यूक्लियराइजेशन हो या फिर जो ये सेंटोसा की मीटिंग हो, तो इन सारे एफर्ट्स और डिप्लोमेसी स्किल के लिए जो है यहाँ पर मोंजे इनको है नोबेल प्राइज मिलना बहुत ही जरूरी है, ये राइटर की डिमांड है और ये काफी क्रूशियल भी है, क्योंकि ऐसे डिप्लोमेसी हमने वर्ल्ड के अंदर कभी नहीं देखी कि ऐसे करिश्मे को किसी ने करके दिखाया हो। तो राइटर की जो डिमांड है वो एकदम से बहुत ही सही बात है कि इतने सारे अच्छे एफर्ट्स करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ही जरूरी, और हाल की सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि जब पीस चल रहा है तब भी, या फिर पीस अगर ना भी रहे, ब्रेक भी हो जाए, क्योंकि दोनों जो पार्टी है किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप, किसी के ऊपर लॉन्ग टर्म भरोसा करना आज की सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि क्या सोचते हैं ये लोग और क्या करते हैं इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो उसके लिहाज से बाद में क्या हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो एक बार तो एक बार करके दिखाया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए नोबेल प्राइज लेके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर तीन मुद्दे, कोरिया, पैलेस्टाइन और कश्मीर, इसको सॉल्व करने वाले को अप्रिशिएट करना ये एक वर्ल्ड लेवल के लिए कंपलसरी वाली बात है। तो आज के इस आर्टिकल के अंदर इतना ही, ये है वोकैबुलरी जो आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करेगी। आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पोस्ट करके अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो दोस्तों जरूर से हमें लाइक के माध्यम से और कमेंट से माध्यम से बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यहाँ पर जो है आज 19 जून है, 21st, 22nd, 23rd और 24 जून, यानी कि 4 दिन के लिए हमारी चैनल के माध्यम से एडिटोरियल्स प्रकाशित नहीं हो पाएंगे, कुछ सोशल रीजन के कारण यहाँ पर जो है एडिटोरियल बंद रहने वाले हैं। लेकिन हम आशा करेंगे कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको जो है हमारे एडिटोरियल और PDF आपको प्राप्त होती रहेगी, और दूसरी बात कि करंट अफेयर भी आपके वीडियो में प्रकाशित हो, ये हम जरूर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।